नामदेव जी महाराज हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी का एकादशी निष्ठा थी, मैं कथा में सुनाता हूं। वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे और खाना भी नहीं चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। एकादशी व्रत करते थे और केवल करते ही नहीं थे, नामदेव जी के आगे जो आ जाता था उस सबसे एकादशी करवाते थे। मान लीजिए आप घूमते घूमते नामदेव जी के आगे आ गए और आप कहीं अन्न खा रहे हो और नामदेव जी ने आपको देख लिया, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, आपके हाथ में जो सामग्री होगी उसको दूर रख देंगे, बोले भैया आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाओगे। और जब तक द्वादशी लग नहीं जाएगी आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि कहीं ये अन्न ना खा ले, ऐसा नियम था उनका। एक दिन भगवान बोले नामदेव जी की परीक्षा ली जाए, और ठाकुर जी एक दीन हिंसा ब्राह्मण बनकर के आ गए और एकादशी के दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के ठाकुर जी ऐसे गिर पड़े। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, अरे कोई जल लेकर के आओ, अरे गृहिणी सुनो जल्दी इनकी सेवा करो। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भैया नामदेव, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे किसी ने कहा इस नगर में तुम ही वैष्णव हो, कृपा करके मुझे कुछ खिला दो ना, अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव जी बोले क्षमा करना भगवान, आज तो एकादशी है। अब वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे तुमको एकादशी की पड़ी है, मैं पिछले कितने दिनों से अन्न नहीं पाया, मैंने मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इस समय अन्न ही मेरे प्राण हैं, तुम यदि अन्न नहीं खिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव जी महाराज बोले भगवान केला खा लो, सेब खा लो, दूध पी लो, पर अन्न नहीं खिलाऊंगा, आज एकादशी है और मेरे प्राण निकल गए तो। नामदेव जी बोले तो फिर बहुत अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं खाने दूंगा, चाहे आप जो कहो। अब वो कोई ब्राह्मण कोई और थोड़ी, भगवान ही आए थे। अब तो ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई अन्न खिलाओ, मुझे कोई रोटी चावल कुछ तो खिलाओ, मेरे प्राण निकल रही है, नामदेव मुझे कुछ नहीं खिला रहा है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब लोग बोले ए नामदेव तुम्हारी एकादशी है, तुम करो एकादशी, उनसे क्यों करवा रहे हो। नामदेव जी बोले मेरा नियम है, मेरी आंखों के आगे जो आ जाएगा सबसे करवाऊंगा मैं तो। अब पड़ोसी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप तो हमारे साथ चलो, हमारे यहां चलो, वहां पा लेना। नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ले जाने भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण बोले बड़ा विचित्र भाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले भले ही निकल जाए, खिलाने के लिए मना थोड़ी किया, केला देता हूं, सेब दे रहा हूं, आपको दूध दे रहा हूं, लेकिन अन्न नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी तो जब नाटक करने में आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। आहा, विलाप करते 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 ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि प्राण निकल ही गए, लेकिन नामदेव जी ने अन्न नहीं खिलाया। जैसे ही उस ब्राह्मण के प्राण निकले, नामदेव जी महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। सब लोग नामदेव पे चिल्लाने लगे, अरे ऐसी कैसी एकादशी तेरी कि तेरे द्वार पर आकर के एक ब्राह्मण ने अपने दम तोड़ दिए, ये एकादशी का व्रत मिला तुझे। नामदेव जी बोले भैया मेरी निष्ठा की वजह से ब्राह्मण के प्राण गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को दंड स्वयं दूंगा। एक चिता बनाई, चिता में उस ब्राह्मण का शव पधरा दिया और स्वयं भी उस चिता में बैठ गए, अपनी पत्नी को भी बिठाया, अपने पूरे परिवार को बिठा लिया, बोले हम सब इनके साथ अपने देह का त्याग कर देंगे। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई, वो ब्राह्मण का शव उठ करके खड़ा हो गया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और नामदेव को चिता से उछाल करके बाहर ले आए, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामदेव, अरे मेरे नामा, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये तो मैं ही आया था तुम्हारे व्रत की परीक्षा लेने के लिए, मान गए तुम्हारी निष्ठा को। बंधुओं, नियम करना बड़ी बात नहीं है, कई लोग नियम का पालन करते हैं। कई लोगों का नियम है सुबह 4 बजे उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे, हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, आदि आदि जो भी उनके नियम, करना बड़ी बात नहीं है,
पर नियम कितनी निष्ठा से किया जा रहा है यह बड़ी बात है। वो आपका डेली रूटीन की तरह नहीं होना चाहिए, वो निष्ठा के साथ होना चाहिए, उत्सुकता के साथ होना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप है सत्य। अगर व्यक्ति बहुत कुछ नियम नहीं करता लेकिन सत्य का आचरण करता है तो वह व्यक्ति भी एक धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। कोई व्यक्ति नित्य मंदिर नहीं जाता परंतु नित्य सत्य बोलता है तो वह व्यक्ति धार्मिक है। अच्छा, एक और बात, सत्य के भी एक पैमाने होते हैं। कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए। कई बार कई सत्य अच्छे नहीं होते, कई सत्य अच्छे नहीं होते। कोई कसाई जीव को मारने के लिए जा रहा है और जीव आपके सामने से ही गया है। कसाई आकर के आपसे पूछे कि आपने उस जानवर को देखा, आप सत्य बोलोगे? सत्य बोल दोगे तो एक के प्राण चले जाएंगे। तो कहीं कहीं प्राण की रक्षा के लिए, कहीं कहीं किसी की कुशलता के लिए सत्य नहीं भी बोलना चाहिए। परंतु यह आपको कौन सिखाएगा? यह सत्संग सिखाएगा। यह विवेक बुद्धि आपको सत्संग कथा प्रदान करेगी कि कहां, कब, कैसे, क्या, कितना बोलना है। पर सत्य का आचरण, तो सत्य भगवान का स्वरूप। दूसरा, चैतन्य भगवान का स्वरूप है। बंधुओं, विश्व में सब जगह परमात्मा जड़ दिखाई देते हैं, मूर्ति में दिखाई देंगे, धातु में दिखाई देंगे, पत्थर में दिखाई देंगे, परंतु वो दिख रहे हैं हमको है नहीं, वो वास्तव में चैतन्य है, हमारी तरह है। हमारी तरह उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनके भी हाथ पांव सीधे होते हैं, वह भी एक रूप में रहते हैं। हमारी बुद्धि जड़ है इसलिए परमात्मा जड़ दिखाई दे रहा है। मीराबाई की बुद्धि चैतन्य हो गई थी इसलिए जहां देखती थी वहीं उनको परमात्मा दिखते थे। सूरदास की बुद्धि चैतन्य हो चुकी थी, नेत्र ना होने के बाद भी उनको परमात्मा दिखते थे। वास्तव में कथा सुनने का पर्पस क्या है, कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? हमारी जड़ बुद्धि चैतन्य हो जाए। महाराज, जड़ बुद्धि चैतन्य हो जाएगी ना तो जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। और जड़ बुद्धि का स्वरूप क्या है कि ठाकुर जी में भी दोष दिखने लग जाए तो ये समझो यही जड़ बुद्धि है। और निर्जड़ बुद्धि कौन सी है, सामान्य व्यक्ति को देख करके भी उसमें ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, यही जड़ शून्य बुद्धि है। कथा का उद्देश्य जड़ शून्य बनाना है बुद्धि को, जड़ युक्त नहीं। सातवें दिन, और अब तो उल्टा हो गया, अब आठवें दिन कथा। वैसे हम पता कितने दो तीन चार साल बाद करीब आठ दिन की कथा करेंगे, अभी समय ही नहीं रहता तो सात ही दिन का करते हैं, परंतु आज का विलंब होना बिसौली के लिए बोनस हो गया। रस्ता में बात करते आ रहे पंडित जी से, मैंने कहा कहीं से पंखा भेज दो, मेरी गाड़ी उड़ के आ जाए, पहुंच जाऊं। फिर अंत में हमने कहा भाई एक काम करो, 21 को हमको 1 बजे तक एक स्थान पर पहुंचना है तो यहीं से उड़ के चले जाएंगे, लेकिन 21 को कथा सुना के जाएंगे, तो यह भी एक आनंद है। 8 दिन बाद आपकी दृष्टि परिवर्तित होनी चाहिए। जैसी आज है वैसी ही आठवें दिन भी है, जैसा स्वभाव आज है वैसा ही आठवें दिन भी है, जैसी बोली चाली आज है वैसी आठवें दिन भी है, तो निश्चित मानिए आपने समय को व्यर्थ किया। आप रमेश हो, आप मुकेश हो, जो भी यहां बैठे हो, आज जैसे हो आठवें दिन वैसे नहीं होने चाहिए। आपके अंदर सरलता जन्म ले, आपके अंदर दीनता आवे, आपके अंदर दैन्य भाव आवे, आपके अंदर पहले से अति प्रेम आ जाए तो समझो कथा को आपने सुना।
आज जितना क्रोध है उतना कथा सुनने के बाद भी है, आज जितना लोभ है उतना कथा सुनने के बाद भी है, तो फिर काय बात की कथा। अरे भाई, औषधि लेने के बाद तो रोग दूर होना चाहिए, औषधि लेने के बाद भी रोग दूर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि एक्सपायर हो चुकी है, या फिर औषधि लेने वाला व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए भैया, इन सप्त दिवस की कथा से मन, बुद्धि, नेत्र सब परिवर्तित होने चाहिए, सब में एक सुधरा हुआ व्यवहार आना चाहिए, ऐसी भावना। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का सत्य स्वरूप है दूसरा।